क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और टीम इंडिया फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा मुकाबला, आप इस मैच को समझते हैं? सबसे पहले पूरे देश को गर्व है भारतीय टीम पे, भारतीय कप्तान पे, हमारे कोच रवि शास्त्री पे, जिनकी सबकी अथक मेहनत और अथक प्रयास आज इस सीमा में पहुंचा है कि टीम फाइनल पहुंची है, सेमीफाइनल पहुंची है। दूसरा, टीम को बधाई टॉप पे आने की, नंबर वन पे आने की, वर्ल्ड कप में नंबर वन पे आने की निश्चित बहुत बड़ी बात है। और जैसा टीम प्रदर्शन करता आ रही है, हमें विश्वास है टीम बहुत अच्छा करेगी और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कल के सेमीफाइनल के लिए। सर, जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में टीम ने परफॉर्म किया है, सिर्फ एक मैच ऐसा था जहां पर हार का सामना करना पड़ा, न्यूजीलैंड के साथ चूंकि बारिश हो गई थी तो मैच नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है सर कि अब हम सिर्फ एक मैच दूर हैं, वो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है 1983 2011 और अब विराट की बारी है, कितना बड़ा सर आपको लगता है? देखिए, जीत का आगाज भारतीय टीम का प्रयास और सब इस सब बातों का अंदाज़ा जो भारत का पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और जिस शानदार तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में इंडिया ने जीत हासिल की थी, सबसे ही सबके दिमागों दिल में आ गया है कि टीम बहुत अच्छे लय में है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रवि शास्त्री भी पूरी मेहनत के साथ पूरा कोचिंग में दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और विराट कोहली की बेहतरीन कप्तानी में और शानदार बल्लेबाजी परफॉर्मेंस में और रोहित शर्मा के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टीम बेहतरीन करने जा रही है। और जो गेंदबाजों ने साथ दिया है, गेंदबाजों निखर के आए हैं, खासकर जसप्रीत बुमराह ने, शमी की हैट्रिक, कोई भी शक शुबह की गुंजाइश नहीं है कि टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए।